100% कहानी, 100% मज़ा, 100% मैजिक। किस्सा एक कहानी का। दोस्तों, स्वागत है आपका मज़ेदार दुनिया में। ये दुनिया आपको इस दुनिया से दूर एक नई यात्रा पर ले जाएगी, वो यात्रा जो रहस्य और रोमांच से भरी होगी। तो आइए दोस्तों, टिकट लीजिए यानी सब्सक्राइब कीजिए और तैयार हो जाइए मैजिक, मस्ती, मिस्ट्री से भरी रोलर कोस्टर रहस्यमयी राइड के लिए। दोस्तों, ये कहानियाँ सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए हैं। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। किसी तरह का अंधविश्वास फैलाने की हमारी कोई मंशा नहीं है। दोस्तों, हमारी ये कहानी आज तक की सबसे डरावनी कहानियों में से एक है। हमारी गुजारिश है कि कमजोर दिल वाले लोग, बच्चे और गर्भवती महिलाएं कृपा कर इस कहानी को ना सुने। दोस्तों, आज की कहानी है सर कटी चुड़ैल। आज तन्वी का 17वां बर्थडे था। आन्या, समायरा, खुशी, उसकी सब फ्रेंड्स के साथ वो खूब मस्ती कर रही थी। उसकी मॉम ने उसका फेवरेट चॉकलेट केक मंगवाया था। दिन में वो अपनी सारी क्लोज फ्रेंड्स के साथ हैरी पॉटर की फिल्म का शो एंजॉय करके लौटी थी। आज उसका इरादा पूरी मस्ती करने का था। आज उसके पापा ने भी ऑफिस से पूरे दिन की छुट्टी ले ली थी अपनी प्यारी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए। पास की गुप्ता आंटी से लेकर लगभग सारे पड़ोसी तन्वी को विश करने आए थे। गिफ्ट्स का ढेर देखकर तन्वी बहुत खुश थी। सब के जाने के बाद लगभग देर रात 12:30 बजे तक वो अपने सारे गिफ्ट्स खोलती रही। अब पापा मम्मी के सोने जाने के बाद उसे भी नींद के झोंके आ रहे थे। वो बहुत खुश थी। ये शायद उसका आज तक का बेस्ट बर्थडे था। खैर, अब रात काफ़ी हो चुकी थी। तन्वी ने चेंज किया और उबासी लेती हुई अपने कमरे में आ गई। मूनलाइट ऑन की, एसी चलाया और अभी वह अपने बिस्तर पर लेटने को ही थी कि उसने देखा उसके बेड पर कुछ चमक रहा था। ये तो एक गिफ्ट बॉक्स था, पर ये यहाँ कैसे आया? तन्वी के कमरे में तो कोई नहीं आया था। मम्मी ने सख्ती से कहा था कि जो भी पार्टी करनी है यहाँ ड्राइंग रूम में करो। उसके कमरे में किसी को जाने की परमिशन नहीं थी। फिर ये कौन यहाँ रख गया था? तन्वी को लगा शायद कोई सरप्राइज गिफ्ट होगा जो उसके मम्मी पापा ने उसके लिए यहाँ रखा होगा। उसने भागकर ट्यूबलाइट ऑन की। पैकेट वाकई बहुत खूबसूरत था। उस पर सुंदर डॉल्स और टेरी बियर्स बने थे और सुनहरे रंग के रिबन से उसे पैक किया गया था। उसके ऊपर सुंदर सा टैग चिपका था, हैप्पी बर्थडे डियर तन्वी, ऐसा उस खूबसूरत टैग पर लिखा था। इससे पहले कि तन्वी उस गिफ्ट को खोलती, उसने महसूस किया कि कमरे में अचानक ठंड काफी बढ़ गई थी, इतनी ज्यादा कि उसे अपने नाइट सूट में अचानक कप कपी छूट रही थी। उसने एसी बंद किया और गिफ्ट खोलने लगी। पता नहीं क्या सरप्राइज रखा होगा इसमें। उसने जल्दी से रिबन और रैपिंग पेपर निकाला। बड़ा सा लगभग 1.5 फीट का डिब्बा था, लकड़ी का बना हुआ। उससे अब और इंतजार नहीं हो रहा था, पर हैरानी की बात थी, ठंड कम होने के बजाय और बढ़ गई थी। और जाने क्यों अचानक बाहर से कुत्ता
कुत्तों के रोने की आवाज आने लग गई थी, ऐसे जैसे आसपास के सारे कुत्ते उसके घर के सामने जमा हो गए हों। खैर, तन्वी ने डिब्बे के ढक्कन पर लगी टेप हटाई, ढक्कन खोला तो उसका दिल धक से रह गया। उसके गले से बड़ी भयानक चीख निकली जो बाहर रोते कुत्तों की आवाज में कहीं खो गई थी। उसकी आंखें डर से ऐसे फट गईं कि जैसे अभी बाहर निकल आएंगी। डिब्बे में एक औरत का गला सड़ा कटा हुआ सर रखा था। उसके पीछे से सर्द आवाज आई, मेरा सिर मुझे लौटा दे। वो लगभग वहीं जम चुकी थी। कुछ हिम्मत करके उसने पीछे पलट कर देखा तो एक सर कटी औरत हवा में दोनों हाथ फैलाए खड़ी थी। उसका एक हाथ उस बॉक्स की ओर गया और कमरे में फिर आवाज गूंजी, मेरा सिर मुझे लौटा दे रखी। इसके साथ ही उसका एक हाथ आगे बढ़ा और उसने तन्वी का गला दबाना शुरू कर दिया। तन्वी की आंखों में मौत का डर साफ झलक रहा था। वह चिल्लाना चाह रही थी पर गले का दबाव और डर के मारे चिल्ला नहीं पा रही थी। और कुछ ही पल में तन्वी का बेजान शरीर उस बिस्तर पर पड़ा था। वो औरत जोर से गहरी आवाज में बोली, डर से मर, मर के डर। तन्वी की लाश फटी आंखों से कमरे की छत की ओर देख रही थी। उस औरत ने अपना सर अपने हाथ में उठाया और कमरे की दीवार के आर पार निकल गई। अपना सर हाथ में उठाए दीवार पार करके वह बाहर सड़क पर आ गई थी। अंधेरे में उसका वजूद किसी लैंप की तरह चमक रहा था। खुले खुले से बड़े बड़े दांत, सड़ा गला चेहरा, लंबे लंबे बाल, हाथ और पैरों पर मांस की बस पतली सी झिल्ली ही थी। हड्डियों के ढांचे से चलता हुआ उसका धड़ किसी औरत का चलता फिरता नर कंकाल ही था। चलते चलते उसका धड़ अपना हाथ पकड़े अंधेरे में कहीं गायब हो गया। उसके गायब हो जाने के बाद हवा में एक भयानक आवाज गूंजी, डर के मर, मर के डर। शामली एक छोटा सा शहर था। तन्वी की भयानक मौत की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई थी। अगले दिन पूरा शहर तन्वी के घर के बाहर जमा हो गया था। ठोस सबूत ना मिलने की वजह से पुलिस इसे आत्महत्या मान रही थी, पर तन्वी के माता पिता इस बात को किसी तरह भी मानने को तैयार नहीं। आखिर क्यों उनकी लाडली बेटी अपने जन्मदिन की रात को आत्महत्या करेगी? लोगों के जोर देने के कारण पुलिस ने जल्दी में कोई फैसला लेना ठीक नहीं समझा और तहकीकात शुरू करने का फैसला किया। पर करते भी तो क्या, ना कोई सुसाइड नोट, ना कोई फिंगरप्रिंट्स, करें तो क्या करें, पहेली सा बन गया था ये केस। खैर, एक हफ्ता हुआ होगा बस इस बात को, 17 साल की अंजलि गाड़ी चलाना सीख रही थी। हालांकि 18 साल से पहले ड्राइविंग लाइसेंस तो बनता नहीं, पर अब उसके 18 साल की होने में बस एक महीना बचा था और अंजलि ड्राइविंग टेस्ट को एक ही बार में क्लियर कर लेना चाहती थी क्योंकि उसे गाड़ी चलाने का बहुत शौक था। आज उसने अपनी ट्रेनिंग लगभग पूरी कर ली थी। शाम के 6 बजे थे और आज उसके ड्राइविंग टीचर ने उसे अकेले भीड़ भरी सड़क पर ड्राइविंग करने को कहा था ताकि उसका हाथ और साफ हो सके।
अंजलि खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। टीचर ने उसे ध्यान से आगे पीछे हर शीशे में ध्यान देकर गाड़ी चलाने को कहा था। अंजलि एक अच्छे स्टूडेंट की तरह बारी बारी हर एक शीशे को देखकर बड़े ध्यान से गाड़ी चला रही थी। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आते ही अंजलि ने गाड़ी को हल्की सी रेस दी और ऐसा करते ही उसने जैसे ही सामने लगे पीछे देखने वाले शीशे में देखा तो उसके होश उड़ गए। पीछे कार की सीट पर एक औरत का सड़ा गला कटा हुआ सर पड़ा था। उसने पूरे जान से गाड़ी की ब्रेक लगा दी। उसके इस अचानक ब्रेक लगने से काफी गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं और सड़क पर शोर मच गया। तभी अंजलि की गाड़ी के पीछे किसी ने हाथ से दस्तक दी और आवाज आई, मेरा सर मुझे लौटा दे लड़की। उसने हड़बड़ा के खिड़की से सर निकाल कर पीछे देखा तो जाने कैसे उस खिड़की का शीशा अपने आप ऊपर चढ़ना शुरू हो गया। बला की तेजी से वह शीशा एकदम ऊपर चढ़ गया और एक ही पल में डर से चीखती अंजलि का सर सड़क पर गिरा था। पीछे से सर कटी चुड़ैल आई, उसने अंजलि का सर उठाया। इसके बाद उसने गाड़ी का दरवाजा खोला, अपना सर उठाया और दोनों सर उठाकर उसका धड़ गाड़ियों के बीचों बीच चलने लगा। सब लोग डर से वहीं जम गए थे। वह भयानक आवाज में बोली, डर से मर, मर के डर। और बीच सड़क पर सब की आंखों के बीच गायब हो गई। सब लोगों के पैर खौफ से वहीं जम गए थे, पर एक दो लोगों ने हिम्मत करके दूर से ये खौफनाक मंजर अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया था। पुलिस बुलाई गई और इससे पहले कि वे अपना दिमाग का इस्तेमाल करते उन्हें वो वीडियो दिखाया गया, जिससे पुलिस वाले भी डर से बुत बने, जाने वहां कितनी देर जमे रहे। वो खतरनाक वीडियो पूरे शहर में व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर फैल चुका था। ये कोई आम चुड़ैल नहीं थी, इसने तो खुले में सबको चेतावनी दे दी थी, डर से मर, मर के डर। लोगों के लिए आज तक भूत, प्रेत, डायन, चुड़ैल सब ख्याल की बातें थी, पर कोई अपनी आंखों पर विश्वास ना करे तो क्या करे। हर दरवाजे के पीछे लोग सहम कर जम चुके थे। स्कूल, ऑफिस, बाजार सब एहतियाती तौर पर बंद करवा दिए गए थे। उस चुड़ैल को पकड़ने के लिए शामली में कर्फ्यू लगा दिया गया था। शहर का हर आदमी सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। इसी समय एक रात जब पुलिस गश्त पर थी तो उन्होंने देखा एक 6.5 फीट का लंबा चौड़ा आदमी हाथ में एक खोपड़ी लेकर श्मशान घाट की ओर जा रहा था। तभी पुलिस वालों ने उसके सामने आकर गाड़ी रोक दी। इंस्पेक्टर के इशारे पर हवलदार ने उसे कर्फ्यू का उल्लंघन करने के जुर्म में गाड़ी में बैठा लिया। वह ठहाका लगाते हुए बोला, अरे पागलों, हवा को भी कोई बांध सका है क्या? मुझे रोकने के बजाय उस चुड़ैल को रोको। जब तक वो तुम्हारे आसपास है, इस शहर में कोई सुरक्षित नहीं है। क्या जानते हो तुम उसके बारे में अघोरी? हवलदार हरिमन सक पकाते हुए बोला, हडड़ान है वो, हडड़ान। बड़े बड़े तंत्रों में उसका जिक्र मिलता है। पाप भी उस पापिन से डरता है हरिमान। इससे पहले कि वो इस पूरे शहर को श्मशान में बदल दे, रोको उसे, वरना तुम सबके सर इस शहर की सड़कें लाल कर देंगे। इतनी लाशें होंगी कि तुम हर धड़ का सर ढूंढोगे और हर धड़ का सर। बकवास बंद कर अघोरी, इंस्पेक्टर सत्ताज चिल्लाया, बकवास बंद कर,
वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा तेरी। इंस्पेक्टर की बात सुन अघोरे की सर्द आवाज हवा में तैर गई। तू मेरा सर उड़ाएगा रे? कैसे? इस बंदूक से? उड़ा मेरा सर। दम है तो चला गोली, तान बंदूक मुझ पर। किसको मौत से डराता है? इस अघोरी को जो दिन रात अपनी जिंदगी की आहुति दे दे कर मौत के उस पार आ चुका है। तू बकवास बंद कर और मेरी बात कान खोल कर सुन। तू सिर्फ समय बर्बाद कर रहा है, अपना ये गुस्सा उस पापिनी के लिए बचा कर रख, और दोबारा इस तरह की बात की तो जिंदा जला दूंगा यहीं। मुझे माफ कर दो बाबा, मैं आपसे गलत तरीके से बोल गया, माफ कर दो मुझे, सरताज ने सक पकाते हुए कहा, और गाड़ी में बैठे सभी पुलिस वाले थर थर कांपने लगे। उस चुड़ैल से छुटकारा चाहिए तो तुम में से एक को अपनी जान दांव पर लगानी होगी। बोलो कौन तैयार है? मैं तैयार हूं, बिना एक पल गवाए सरताज बोला। उसकी निगाहें एकदम दृढ़ थीं। ठीक है तो आओ मेरे साथ, गाड़ी को वो कोने वाले श्मशान घाट की ओर ले चलो। हरिमन के गाड़ी स्टार्ट करने की तेजी से मालूम पड़ चुका था कि किसी ने अघोरी की बात को हल्के में नहीं लिया है। 10 ही मिनट में गाड़ी श्मशान घाट के दरवाजे पर लग चुकी थी। चारों पुलिस वाले चुपचाप अघोरी के पीछे जा रहे थे। अघोरी ने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए, खोपड़ी उसके हाथों में अभी भी वैसे ही लहरा रही थी। उसने 3 हवलदारों को वहीं रुकने का इशारा किया और सरताज को साथ ले एक जलती हुई चिता की ओर चल पड़ा। चिता के पास पहुंचकर उसने सरताज को रुकने का इशारा किया। वहीं पीछे बरगद के पेड़ के पीछे से उसने अपना झोला निकाला और जलती चिता के साथ जमीन पर बैठ गया। उसका सर जोर जोर से हवा में झूलने लगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै। नवार्ण मंत्र उसके मुंह से लगातार निकलने लगा। इसके साथ ही उसने अपने झोले से मानव हड्डी निकाली और चिता के चारों ओर मंत्र का घेरा बनाते हुए सरताज को उसमें खींच लिया और जोर से सरताज से बोला, क्या तुझे अपनी मौत का डर है? नहीं, सरताज बोला। तू जानता है हम किससे टकराने जा रहे हैं? वो कोई साधारण चुड़ैल नहीं है, उसका नाम है हडड़ान। कपाल काटनी है वो, आज तक लाखों कपाल जमा कर चुकी है वो। वो शैतानी ताकत से 3 लोगों पर अधिकार करना चाहती है। क्या तुझे डर लग रहा है? डर से सरताज का खून उसकी आंखों में उतर आया था, पर वह बोला, नहीं बाबा, बताइए मुझे क्या करना है। तुझे कुछ नहीं करना, मैं तुझे एक 17 वर्ष की लड़की में बदलने जा रहा हूं, क्योंकि हडड़ान को अपनी साधना के लिए सिर्फ कुंवारी कन्याएं ही चाहिए। कोई सवाल जवाब मत करना, हाथ जोड़ और आंखें बंद कर ले। इसके साथ ही अघोरी ने जलती चिता से खींचकर मुर्दे की टांग निकाली और उस घेरे के बाहर फेंक दी। जलते मानव मांस की गंध मेरे मंत्रों की शक्ति से उसे यहां तक लेकर आएगी, वह बोला, और इसके साथ ही उसने ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै मंत्र बुदबुदाते हुए एक मानव हड्डी सरताज के सर पर रख दी। और चमत्कार, सरताज की जगह वहां एक जवान खूबसूरत लड़की खड़ी थी।
तभी भयानक बिजली कड़की और कुत्तों के रोने की भयानक दिल दहला देने वाली आवाजें आने लगी। तभी पीछे से किसी के हड्डी चूसने की आवाज आ रही थी। उस लड़की ने मुड़कर देखा तो हडड़ान का सर हवा में झूल रहा था और उसका धड़ अपने दोनों हाथों से उस मानव की जलती टांग को उसके मुंह में डाल रहा था। भले ही वहां अब एक लड़की थी पर अंदर से वो सरताज ही था। इतने मजबूत दिल का होते हुए भी वह बेहोश हो गया। वहां था अघोरी, आदमी का मांस खाती दो टुकड़ों में बटी हडड़ान और एक जवान बेहोश लड़की जिसके लालच में हडड़ान यहां आई थी। अनजाने में गलती हो गई थी। गलती से बेहोश होते समय उस लड़की का शरीर उस घेरे के पार हो गया था। हडड़ान का धड़ बिना कोई मौका गवाए हवा में उड़ा और एक ही पंजे से उस लड़की का सर धड़ से अलग कर दिया। दोनों सर हवा में उठाए और फिर आवाज आई, डर से मर, मर के डर। अघोरी गुस्से से बौखलाया उस जलती चिता में कूद पड़ा। उसने जलता हुआ मानव शरीर उठाया और उस चुड़ैल के सामने फेंक दिया। ले खा, खा इसे भी खा हडड़ान, तो खून की प्यासी है ना, मांस की भूखी है ना, खा इसे भी खा। चुड़ैल का सर हवा में घूमता उसे देख ही रहा था कि अघोरी ने मानव हड्डी से एक जोरदार वार किया और हडड़ान का सर चीखता हुआ उस जलती चिता में जा गिरा। हडड़ान की दहला देने वाली चीखें उस मशान में गूंज रही थी। तभी उसका धड़ तेजी से हिला और एक हाथ के वार से अघोरी का सर भी उड़ता हुआ उसी चिता में जा गिरा, जिसे वह चुड़ैल अपने जलते हुए सर से खा रही थी। क्या इससे खौफनाक भी कुछ हो सकता है? अघोरी का धड़ उस चिता के साथ पड़ा तड़प रहा था। हडड़ान का धड़ आगे बढ़ा और उसने अपने दोनों हाथ चिता की जलती आग में दे दिए। अपना सर हाथ में उठाया और जोर से बोली, डर से मर, मर के डर। और वहां से उस लड़की का सर लेकर गायब हो गई। पीछे पड़ा था अघोरी का धड़, चिता में जलता उसका सर, वो अधजली लाश और सरताज के नए रूप में लड़की का धड़। हवा में सर्द आवाज गूंजी, पागल अघोरी, मुझे हराना इतना आसान होता तो मैं कपाल काटनी हडड़ान ना होती। डर से मर, मर के डर। आपका एक एक लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने की और ज़्यादा मेहनत करने की प्रेरणा देता है। आप सबके साथ के लिए धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा। इस कहानी को इतना शेयर करें, लाइक करें कि मुझे भी आगे की कहानियाँ लिखने में मज़ा आ जाए। अगली कहानी का टिकट खरीदिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। 100% मिस्ट्री, 100% मैजिक, 100% मज़ा।